So, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्वीट डिश शेयर करने वाली हूँ. तो वो है गुलाब जामुन. यस, गुलाब जामुन हम बच्चे से बड़े सबको बहुत पसंद है खाने में. तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के साथ ये वाला रेसिपी शेयर करती हूँ. आप गुलाब जामुन बहुत कम खर्चे में घर पे दुकान जैसे बना सकते हो. तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ. गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पनीर, 500 ग्राम मावा, आधा कप मैदा और 3-4 कर्डमोन को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है. यहाँ पे है कैशू नट और पिस्ताचो, ये दोनों को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है. और चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम चीनी. और गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट ऑयल. आप चाहो तो घी से भी गुलाब जामुन को फ्राई कर सकते हो. अब पहले मैं चाशनी को बना लेती हूँ. इसके लिए मैं एक बर्तन में चीनी को डाल दूँगी और उसके साथ मैं उसी कटोरी के एक कटोरी पानी डाल लूँगी और इसको मिला लूँगी और चीनी को पूरे मेल्ट होने तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी. अब मैं बना लूँगी गुलाब जामुन. तो इसी के लिए मैं 500 ग्राम मावा को अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी. बहुत अच्छे से आपको मैश करना होगा. तो मेरा जो मावा है वो अच्छे से मैश हो गया है. अभी मैं इसको एक साइड में कर लेती हूँ और अब मैं पनीर को भी सेम तरीके से मैश कर लूँगी. तो मेरा पनीर भी मैश हो गया है. अब मैं मावा और पनीर को दोनों को एक साथ अच्छे से मिला लूँगी. तो उसके पहले मैं जो आधा कप मैदा लिया था उसको मैं इसमें डाल लूँगी. मैदा डालने से जो आपकी डो होता है बहुत अच्छा बाइंडिंग देता है. तो मैं इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से मसल लूँगी. इसको बहुत अच्छे से मसलना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने आधा मिक्सचर जो है वो मैंने बना लिया है. कुछ इस तरह से दिखेगा और आधा मिक्सचर मैंने अच्छे से नहीं बनाया तो कुछ ऐसे दिखेगा. तो आपको मैं ये आधा डो को कैसे आपको मसलना है वो मैं दिखाऊंगी. आप थोड़ा डो ले लीजिए और अपने हाथों की मदद से ऐसे आप मसल लें. इससे आपको बहुत आसानी होगा. आप एक साथ बहुत ले लेंगे तो आपको मसलना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है. तो थोड़ा थोड़ा लेके आप मसल सकते हो. तो हमारा डो बिल्कुल ऐसा दिखेगा. तो इसी तरह से मैं बाकी की डो को बहुत अच्छे से मैं मसल लूँगी. तो हमारा डो जो है वो रेडी है. अब मैं जल्दी से जो गुलाब जामुन की बॉल्स है वो बना लूँगी. थोड़ा लेके मैं दोनों हाथों की मदद से मैं गोल शेप दे रही हूँ. आपको बहुत ध्यान से आपको गुलाब जामुन बनाना है. अगर आपको ऐसे क्रैक दिखे इसका मतलब आपको अभी भी बहुत अच्छे से गोल शेप में देना है. ये है परफेक्ट गुलाब जामुन, कोई क्रैक नहीं है.
तो गुलाब जामुन के अंदर मैं एक स्टफिंग दूंगी, तो इसके लिए मैं पिस्ताचो और कैशू को क्रश कर लिया है और इसमें मैं डाल लूँगी कार्डमम पाउडर। और थोड़ा सा मैं जो डो मैंने मिक्स करके रखा था उस डो को मैं देके इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इससे आपका जो अंदर की स्टफिंग है वो बरकरार रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा चाशनी है वो बनके रेडी है। तो मैं थोड़ा सा चेक करने के लिए एक बोल पे थोड़ा सा चाशनी को डाल लूँगी और हाथों की मदद से मैं देख लूँगी। अगर थोड़ा सा एक तार आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी जो चाशनी है वो बनके रेडी है। और अब मैं गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर लूँगी। तो मैंने एक बड़े कढ़ाई लिया है, उसमें मैं हिंड ऑयल को मैं गरम कर लूँगी। इस वक्त मैं जो गुलाब जामुन है उसको मैं बना लूँगी। तो मैं थोड़ा सा डो ले रही हूँ और एक छोटा सा पॉकेट बना के जो स्टफिंग है उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं इसको गोल शेप में दे रही हूँ। तो मेरा एक गुलाब जामुन बनके रेडी है। उससे पहले मैं जो मेरा ऑयल है वो कितना अच्छे से गर्म हुआ है उसको चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा जो स्टफिंग है वो मैं ऑयल में डाल रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो चुका है। और जो मैंने स्टफिंग भर के जो गुलाब जामुन रेडी किया था उसको भी मैं डाल के एक बार चेक कर लूँगी। तो देखिए हमारा जो गुलाब जामुन है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो जल्दी से मैं जो सारे स्टफिंग है उस गुलाब जामुन बना लूँगी। तो सेम तरीके से मैं थोड़ा सा स्टफिंग लेके उसके अंदर छोटे से पॉकेट बना के जो स्टफिंग है उसको मैं उसके अंदर डाल के अच्छे से मैं गोल बना लूँगी। और इसी तरह से मैं सारी गुलाब जामुन को बना लूँगी। तो ये गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए रेडी है। तो हमारा जो ऑयल है उसमें हम एक एक करके बहुत सावधानी से आपको ये काम करना होगा। हम गुलाब जामुन उसमें डाल लेंगे। और इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। बहुत हल्के हाथों से आपको इसको पलटना है, नहीं तो टूटने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे से रेड कलर में बन गया है। तो इसको मैं ऑयल से निकाल लूँगी। आप चाहो तो टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जो गुलाब जामुन है फर्स्ट बैच बनके रेडी है। इसी तरह से मैं जो सेकंड बैच है उसको भी मैं ऑयल में तल लूँगी। तो सारा गुलाब जामुन बनके तैयार है। तो अब ये गरम चाशनी में ये गुलाब जामुन को मैं डाल दूँगी। चाशनी थोड़ा सा गरम होना चाहिए, इससे जो आपका जामुन है उसके अंदर बहुत अच्छे से जो शुगर सिरप है वो घुस जाएगा। और इसको मैं 2-3 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँगी।
तो 2-3 घंटे के बाद आप देख सकते हो जो हमारा गुलाब जामुन है उसमें उसके अंदर अच्छे से जो शुगर सिरप है वो घुस गया है। अभी मैं सर्विंग कर रही हूँ एक बोल पे। कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना। तो हमारा गुलाब जामुन बन के रेडी है, तो आप भी घर में बनाइए गुलाब जामुन और सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। आप चाहो तो कोई भी सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो लाइक फेसबुक ट्विटर एंड व्हाट्सअप। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन है, उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो कभी ना मिस कर पाए। तो कैसा लगा आज का स्वीट वाला वीडियो? अगर पसंद आया तो ज़रूर घर पे ये गुलाब जामुन बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। उन लोगों ने आपको कैसा कमेंट किया मुझे ज़रूर कमेंट पे आके मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट पे मुझे बताते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।